जी वनीता भाटिया जी, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते मैम, दीदी, बोलिए। बोलिए सर। मेरे को अपनी डॉटर के लिए पूछना डेट था। ऑफ मेरी बर्थ क्या है? डॉटर के लिए 3/10/1980 3/10/1980, एटी 3 अक्टूबर 1980, बरोबर। जी सर। शादी में कोई तकलीफ है क्या इसके? उसकी शादी अभी 3 साल पहले हुई है, पर दोनों में इतनी बनती नहीं है और वही बोला ना उसको आपको, मैंने जॉब भी नहीं। आपको, आपने मुझे सवाल नहीं पूछे, मैंने आपको बोला इसकी शादी में तकलीफ हो है क्या, क्योंकि शादी के जी इशू पूरे सर। क्लियरली दिखा रहे हैं। आपको न्यूमरोलॉजी हाँ आती जी। है क्या? ज्यादा तो नहीं सर, आपके ही थोड़ा बहुत देखा है मैंने, ज्यादा जैसे मैं नहीं। आप लोग को बोलते रहता हूँ, 276 जब भी मिसिंग रहेंगे मैरिज में इशू क्रिएट करते हैं। जी तो सर। आपकी बच्ची के क्रीम में 276 पूरा अब्सेंस है ना, और जो रो है इसकी हाँ वजह जी, से इशू क्रिएट हो रहे हैं। हाँ जी। बस क्या पूछना चाहते हो इस बच्ची को लेके? बोलिए। इसका कि इसका फ्यूचर और इसको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो ये क्या है? मतलब क्या रहेगा, आप कुछ बता। जॉब कौन से फील्ड में करना चाहती है बच्ची आपकी? पहले तो ये उसमें थी, गेमिंग फील्ड में थी शादी से पहले, पर शादी हुई तो फिर इसको वो जॉब मिली नहीं, और अब वो डिजिटल मार्केटिंग में करना चाह रही है। ये अभी नहीं मिलेंगी इसको, अप्रैल तक जॉब नहीं मिलेंगी, लेकिन अप्रैल के बाद इसको जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब तो इसको पक्का मिल जाएंगे, जॉब की चिंता नहीं है। लेकिन जो मैरिड लाइफ की जो बात बता रहे उसमें मुझे नहीं लगता कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की चांसेस है। लेकिन जॉब का जो सवाल है आपका, जॉब इसको अप्रैल के बाद मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। ये क्या खुद का भी कुछ कर सकती है ऐसा, कि अगर ये खुद का कुछ करना चाहे फ्रीलांसिंग जैसे? कर सकती है ना, इसके अभी जो नंबर है ना, अभी फिलहाल इसके अच्छा टाइम चालू हुआ है, खुद के दम पे पैसे कमा सकती है। खुद का बिजनेस हो गया, कोई भी चीज खुद के दम पे करेंगे ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि बच्ची के लिए आपके। खुद खुद के नाम से करना चाहिए ऐसा के नाम से या खुद के दम पे ना, उसके। खुद के दम पे है ना, खुद हाँ वो के चाहे बिजनेस। करेगी तो खुद के दम पे ही करेगी जो भी, हाँ जी, करने नहीं बताइए कुछ उसको। घर अभी भी। देखो मैरिड लाइफ में कुछ रखा नहीं है, रखा नहीं मतलब वहां पे वो झंझट चलती रहेंगी, उसपे फोकस करने से अच्छा अपने कैरियर पे फोकस करेंगी। बच्ची आपकी तो अपने पैरों पे खड़ी होगी ना, तो उसके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी भी आएंगी। उसका जो मन उदास रहता है, सो दिन भर सोचना, वो सब तो दूर होके पॉजिटिव वाइब की तरफ वो चली जाएंगी बच्ची आपकी। कि अभी वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और एकदम से मतलब वो हाइपर जैसे हो जाती है, कुछ भी दीदी मैं बोलो ना। आपके आपके बताने के लिए खुद ही बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सही मैं है खुद ही बता रहा हूँ। नंबर्स जी बता रहे हैं ना सर, मैडम, आपने नंबर्स बता रहे हैं। मैं इसके बता, सिर्फ दो चीज मेरा याद रखिए, जो शादी की जो हाँ बात है उसमें आप उसको सोचना बंद कर दो, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपकी बच्ची को बोले कुछ ओके भी काम, घर के बाहर निकल के कोई भी काम कर, जैसे घर के बाहर निकलेंगे ना उसका माइंड भी फ्रेश होगा, जो चिड़चिड़ापन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब तो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगी। आपकी बच्ची बिजनेस अच्छे अच्छा से कर सकती है। ठीक है सर। तो ये घर खरीदना चाह रही है। अभी नहीं है, टाइम होने का है दीदी उसका, 2024 के आसपास आएगा। अभी खुद की बच्ची से बात 2024 करें ना आप। खुद के पैसे से, या मतलब मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको, क्योंकि अभी जिस घर में रह रही है वो भी मेरा ही मतलब लिया हुआ है। खुद के दम पे तो टाइम है, और आपने हेल्प कर दी तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है, लेकिन खुद के दम पे तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे अभी। ठीक अच्छा, तो है, मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं आपसे? तो आज मेरे एक ही हस्बैंड ले, नहीं तो, ओके आज एक ही ले रहे थे, एक ही ले रहे हैं। कल भी वेबिनार कर जाना, कल बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इसका थैंक यू। कुछ करना चाहिए, कुछ उपाय बता सकते हैं? हाँ आपको उपाय बताया मैंने उसको, जो दो चीज बताया ना उपाय समझ लो उसको, उसको बोलो जी, कि हाँ जी। काम करना चालू कर, माइंड फ्रेश होगा उसको, बाहर जाके कुछ ना कुछ भी करेंगे ना। नौकरी तो उसको अप्रैल के बाद मिल जाएंगी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद हाँ खुद कुछ करेंगी तो ज्यादा अच्छा उसके लिए। ठीक है सर, ठीक ओके है। दीदी, थैंक थैंक यू, थैंक यू, यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। दिव्या जी प्लीज अनम्यूट करें। ओम साई राम जी। मेरा जो ओम साई राम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1981। मुझे क्वेश्चन एक तो अपना पूछना था बिजनेस का, कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, प्लस लाइक मैं अभी सिंगल हूँ, एज इन मतलब डाइवोर्स हूँ, और एज सच अभी मतलब मेरी सिंगल काफी टाइम से सिंगल ही चल रहा है, तो लाइफ पार्टनर कोई अच्छा आएगा या नहीं आएगा? मुझे मेन ये दो क्वेश्चन ही पूछना था। न्यूमरोलॉजी आती है दीदी? नहीं जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, 276 जो नंबर थे डेट ऑफ बर्थ में, वो आपके इसमें भी मिसिंग है। जैसे इसकी अच्छा ब्रो दीदी आई थी ना, उनके बच्चे इसमें 276 नहीं थे, और आपके इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि 276 जो
मेरिट का सूख दिखाते हैं ग्रेड में, वो आपके इसमें पूरा मिसिंग है, जिसकी वजह से आप चाहो कितने कोशिश कितनी करो लेकिन मेरिट में कहीं ना कहीं उस लेवल पे स्ट्रगल आते हैं। आपने कोशिश तो किए होंगे लेकिन तो भी वो ताना बाना बनता ही नहीं, हमेशा वो उत्तर पूर्व पश्चिम में भटकते रहता आदमी और सब काम होता नहीं है वो। ये होता है कि वो एक रीजन है, न्यूमरोलॉजी सीखे एकदम बहुत ही मजा आती है ना आपको यूट्यूब में।